हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाला था मैंने इस चैनल पर, तो जस एक ऐसी दिमाग में बात आई, इम्पोर्टेंट बात है, आप लोगों के काम आ सकती है, तो मैंने कहा चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं। जैसे आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, राहत इंदौरी साहब का एक बहुत मशहूर शेर था, मगर मेरे यहाँ पे वो शेर पढ़ने का कोई इरादा नहीं है, ना मुझे वो पूरा आता है। बुलाती है मगर जाने का नहीं का मतलब कि कोई चीज़ आपको इनवाइट कर रही है और आपको उसके ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको वहाँ जाना नहीं है। तो अभी मैं कुछ दिन पहले कसिनो गया था, तो जैसे मैं अक्सर कसिनो नहीं जाता हूँ, ऐसा कुछ लोगों को गलत फहमी है। अभी किसी ने कमेंट भी किया कि अरे आप तो को तो मैंने रोज़ कसिनो में देखा है, और आप लोगों को कैसे बोल सकते हो कि भाई जुआ मत खेलो जब आप खुद खेलते हो। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, तो पहल आ गई थी बीच में इसलिए मेरे को रोकना पड़ गया वीडियो। तो जैसे लोगों को लगता है कि मैं रोज़ कसिनो जाता हूं, जैसे कुछ लोगों को, तो वो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि मैं कसिनो कब कब जाता हूं और मेरी क्या कसिनो की स्ट्रेटजी है और उन्होंने किस बिना पर यह बात बोली कि मैं रोज़ कसिनो जाता हूं। फिलहाल हम आज के पॉइंट पर आते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं एक शेर का हिस्सा है, पर इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ आपको इन्वाइट कर रही है और आपको उसके इन्विटेशन पर जाके फंसना नहीं है, ट्रैप में नहीं फंसना है। तो यहाँ पर ये बात मैंने इसलिए थंबनेल पर डाली क्योंकि मैं कुछ दिन पहले कसिनो गया था और वहाँ पर मैं विन कर चुका था और विन करके मैं बैठा हुआ था, क्योंकि मेरा कसिनो जाना मतलब पैसा कमाना, ये तो नहीं कहूँगा कि पैसा कमाना कोई मेरा मकसद नहीं होता है, ये झूठी बात होगी अगर मैं ऐसा बोलूँ तो। मेन बात है कि ठीक है, आदमी जा रहा है, प्ले कर रहा है, विन करने का, या प्ले कर रहा है तो विन करने आया ना, सिंपल सी बात है। पर मेरा जो मेन मोटिव होता है ना कि कुछ नया कंटेंट, नए लोगों को देखूँ, नए चेहरों को देखूँ, वो क्या क्या उनके एक्सप्रेशन होते हैं, वो क्या क्या हरकतें करते हैं, कैसे वो आते हैं सफिस्टिकेटेड होके, और दो पैक जाने के बाद उनकी हालत क्या होती है, जीतने के बाद उनकी हालत क्या होती है, हारने के बाद क्या हालत होती है, कैसे वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, ये सब चीज़ें मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा जैसे हमेशा कहना है कि हर व्यक्ति एक चलती फिरती किताब है। तो हुआ ये था कि मैं वहाँ पर गया कसिनो में, मैं विन कर चुका था और अपना पेमेंट कैश चिप मैंने कैश करा ली थी, कैश ले करके मैं बैठा हुआ था। तो एक तो ये था कि मैं लोगों को देख रहा था बैठा हुआ, तो मशीन जो ऑटो मशीन होती है जिस पे आप टच स्क्रीन के थ्रू बैट लगाते हो, उस मशीन की सीट पर ही बैठा हुआ था और लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। और शायद शाम के 7-7:30 बजे का टाइम था, तो मैंने सोचा कि यार 8 बजे डिनर शुरू होता है तो खाना खा करके जाऊँगा, जबकि ये स्ट्रेटजी गलत है। खाना खाने के लिए अगर आप जीत गए तो नहीं रुकना चाहिए, तुरंत निकल जाना चाहिए, बाज़ार में जाके पैसा खर्च करके खाना खा लो। मेरे केस में ये बिल्कुल अलग है, मैं अपने आप को एक एक्सेप्शन केस मानता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसके बाद में कोई भी ताकत आ जाए मेरी जेब से पैसा नहीं निकाल सकती है, अगर मैंने एक बार कैश विड्रॉल कर लिया तो। ठीक है, तो मैं ऐसे बैठा हुआ लोगों को देख रहा था, काफ़ी टाइम बाद गया था, तो मैं जब बैठा हुआ था मशीन पर देख रहा था कि, और सामने उसका डिस्प्ले बोर्ड था, तो जो जो पानी भी दे देना, जो जो नंबर आ रहे थे, मतलब बोर्ड को देख करके मैं जो जो नंबर प्रिडिक्ट कर रहा था कि यार ये नंबर आना चाहिए, या बॉल इन 3 नंबरों में से कोई एक नंबर मारेगी, या ये इस समय ऑर्फिन लाइंस ही आएगा, या ऑर्फिन्स का बॉर्डर आएगा, ये जो भी मैं बोल रहा था, जो भी वही नंबर आ रहे थे। क्योंकि वो मैं डिस्प्ले पे, मैं हमेशा हिस्ट्री पे बहुत ध्यान देता हूँ कि मतलब गेम की हिस्ट्री क्या चल रही है। तो मैंने देखा रेड का फ्लो चल रहा है और ऑर्फिन लाइंस मारेगा, तो मेरे को लगा कि यार ये एक मारेगा, वो एक पर ही आया क्योंकि उसने छोटा नंबर मारना था और उससे पहले 34 आया था। मुझे ये था कि सीरीज रिपीट करेगा और कलर रिपीट करेगा, तो 34 के बाद में एक बनता है, 9 भी आता है, पर एक नंबर मैंने इसलिए बोला क्योंकि कॉलम भी सेम था, तो मुझे चांसेस थे कि भी 34 के बाद एक मारेगा 9 की बजाय, और वो मारा। तो सोचो कि आप प्रॉफिट में हो, आप 7-8 हज़ार रुपये प्लस में हो, आप बैठे हुए हो ऑलरेडी, आप उससे पहले भी ओवरऑल भी प्लस में हो, तो मतलब एक बहुत बड़ी ताकत मुझे बुला रही थी, खींच रही थी अपनी तरफ कि अरे यार लोग 10-10 हज़ार से 1-1 लाख बना रहे हैं, कोई 5 हज़ार से 50 हज़ार बना रहा है,
तेरी ट्रिक अब जमा करके ही लोग बना रहे हैं, तो तू क्या कर रहा है यार, प्रॉफिट में ही तो है, चले भी जाएगा तो प्रॉफिट ही तो जाएगा, आ जा आ जा। उस समय जो कुछ एक दो मिनट की ये जो कश्मकश चली मेरे और उस ताकत के बीच में, और जीता मैं ही कि मैं नहीं, मेरे लगातार उसने मेरे नंबर पर जो मैं सोच रहा था कि ये नंबर आएंगे, ये सीरीज आएगी, ये कलर आएगा, वो सब आ रहा था, पर मैं अड़ा रहा, ढीठ बन के मैं बैठा रहा और मैंने मतलब नहीं किया। उसके बाद में फिर वो वही अपना अपोजिट नंबर, इधर उधर नंबर, तो फिर अपने आप को मैंने जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। पर वहाँ पर मेरे दिमाग में क्लिक करेगी, मैंने कहा नहीं यार मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वाकई में ये बुला रही है, एक्चुअली मैं ना बुला रही थी मशीन, ये आ जा खेल ले, जुआ बुला रहा था। तो वहाँ पे एकदम ध्यान आया कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो वो बुला रही थी कि आ जा आ जा आ जा। तो मैंने कहा यार इस पर मैं वीडियो बना के लोगों को थोड़ा सा इस बारे में बताऊंगा, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, शायद किसी के काम आ जाए कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। ऐसा जो आप लोग ऑनलाइन भी खेलते हो, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आपने देखा कि अरे अपना टारगेट पूरा हो गया है या प्रॉफिट बन गया है और आपने विड्रॉल किया और आपने वैसे बैठ के गेम चेक कर रहे हो। आप देखोगे जो जो नंबर आप सोच रहे होगे वो सारे नंबर वही आ रहे होंगे, नंबर आ रहे होंगे या उन नंबरों में से ही कोई एक नंबर आ रहा होगा, या सीरीज आ रही होगी, या कलर आ रहा होगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा अपने ऊपर। पर इसके अंदर अपने अंदर गुस्सा मत जन्म पैदा होने देना, क्योंकि ये गुस्सा ये खुंदा की होती है कि आप मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट पढ़ना, वो कहते हैं कि हमने इतने पैसे से इतना पैसा बना लिया पर एंड में हार गए। तो दोस्तों एक तो देखो जुए से दूर रहो, एंड रिजल्ट इसका जीरो ही होना है, एक बात हमेशा समझ लो, एंड रिजल्ट जीरो ही होना है। फिर भी लोग बोलेंगे आप खुद क्यों जाते हो, आप किसी के बारे में क्यों बताते हो कि ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर है, ये वो मैं सब किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, करा भी हुआ है बहुत पहले, ठीक है। और मुझे एक्सप्लेन करना है सिर्फ कि कुछ लोग जो मुझे थोड़ा सा पसंद करते हैं तो उन लोगों के लिए, बाकी मेरे को जवाब देना किसी को ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं जो भी करूँ अपनी लाइफ में वो मेरी अपनी मर्जी है, मैं हमेशा ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीता हूँ, पर मैं अपना तजुर्बा शेयर करता हूँ, मानना नहीं मानना आप लोगों के हाथ में है, सही लगे मान लेना, गलत लगे तो छोड़ देना, ख़त्म कर लेना। तो जब ऐसा होता है, और एक ऐसा एक बात और आपको एक बता दूँ लास्ट में, कि ऐसा अक्सर आप लोगों के साथ तब होगा जब बहुत जल्दी आपका पैसा बन जाएगा, मतलब एक तो होता है बहुत जंग लगी, बढ़ा घटा, फिर लगा पैसा ख़त्म हो गया, 80% पैसा कम हो गया, फिर वापस बढ़ गया, फिर जा करके आप प्लस में आए ना, तब ये संभावनाएं कम होती है। क्योंकि तब अगर नंबर आपकी मर्जी के आ भी रहे, आपको कोई नहीं यार ऑलरेडी मैंने बहुत एफर्ट करके पैसा बना लिया, ये ज़्यादातर आप लोगों के साथ तब होगा जैसे आपने सीधा पैसा डिपॉजिट किया और तुरंत ही आपके फटाफट टारगेट पूरा हो गया, तब आपको लगेगा कि अरे यार कीड़ा तो भी शांति नहीं हुआ, ये तो आसानी से पैसा बन गया। तब ऐसा आपके साथ होगा तो ताकत ज़्यादा आपको लगानी पड़ेगी इससे दूर रहने की। तो इससे दोस्तों दूर रहना, इस ट्रैप में मत फंसना, वो आपको बोलेगा कैसे, नो जुआ बोलेगा कि आ जा आ जा आ जा। तो ये ट्रैप है एक तरह का, यहीं पर ये कसिनो का ट्रैप नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है। उनको थोड़ी पता ही कौन आदमी कौन से नंबर दिमाग में सोच रहा है जो वही नंबर मारेगा, ये एक ट्रैप होता है, साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है, लालच कह लो कुछ भी कह लो, अब तो इस पर मत आना। ये उस समय एक बात ध्यान रखना, अपने आप को एक ही जवाब देना, ना मैं कल मरने वाला हूँ, ना ये जो भी प्लेटफॉर्म है या ऑफलाइन कसिनो है ये बंद होने वाले, तो कल ट्राई कर लूँगा बेटा, एक दिन में करोड़पति नहीं बनूंगा, कल देख लूंगा तेरे को, ये बोलना उसको। नहीं तो क्या होगा, आपको लगेगा अरे डाल यार, मैंने बहुत, अभी एक किस्सा शेयर करूंगा मैं आपको अगले वीडियो में, कि एक आदमी अच्छा वाला जीत करके विड्रॉल करके बहुत बड़ी रकम जीत करके जा रहा था, और अचानक वो किस वजह से सारा पैसा लूज कर गया वो बैठे बैठे, और उसके बाद उसकी जो हालत थी, ये मैं किस्सा जरूर शेयर करूंगा। ये कसिनो की बात है, मैंने कसिनो में कई किस्सा है, मैं वहाँ मतलब मैं भी उसी मशीन पर बैठ के खेल रहा था, मेरे सामने की बात है बैठे बैठे। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा एक वीडियो आपके काम आएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।